अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, माह मुहर्रम में ताजियादारी ये बड़ा अहम मसला है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ताजियादारी ये क्या चीज़ है और क्यों ताजियादारी होती है, ये हम अब सबको समझने की ज़रूरत है। हमारे बहुत से भाई इसकी हकीकत समझते नहीं हैं और ताजियादारी शुरू कर देते हैं, इसलिए ताजियादारी क्या चीज़ है ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ताजियादारी इसको समझने के लिए बड़ी आसान सी बात है, वो ये है कि ताजिया ये नकले रोज़ाए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़ा जो है, उनका मकबरा जो है, उनकी कब्र है, ये उसकी एक नकाली है, ये नकल है ये ताजिया। ये ताजियादारी हमारे हिंदुस्तान में कब शुरू हुई इसको भी तारीखी हैसियत से समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में ताजिया 16वीं सदी में राइज हुआ और 18वीं सदी ईस्वी तक पूरे हिंदुस्तान में ताजियादारी आम हो गई थी। इसका आगाज हुआ था अहद तैमूर में इसका आगाज हुआ और इस वजह से हुआ था कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का रोज़ा हमारे हिंदुस्तान से बहुत काफ़ी दूर होने की वजह से लोग यहाँ से वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन समझ रहे थे कि आखिर कैसे उसको पहुँचेंगे, कैसे उसको देखेंगे और कैसे वो इस तरह ताजियादारी मनाएंगे। लिहाजा उनको एक बहुत मुश्किल अम्र मालूम हुआ तो उन्होंने ये तजवीज़ की कि अगर हम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़ा तक नहीं पहुंच सकते हैं तो किसी भी तरह से उसका नकल, उसकी तस्वीर, उसका मुजस्समा अगर अपने ही हम मंगा लेते हैं और उसकी तस्वीर बना करके हम कोई ढांचा देकर उसको तैयार कर लेते हैं तो गोया हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़ा की एक नकाली हो जाएगी और ताजियादारी भी हो जाएगी। लिहाजा अहद तैमूर में ये काम शुरू हुआ कि उनके रोज़ा की नकाली करना शुरू कर दिए और इस तरह से ताजियादारी शुरू हो गई। तो हमने आपने ये समझ लिया कि ताजियादारी कब से हुई और क्यों हुई। अब ये समझने वाली बात है कि लोग इस तरह का ताजिया उठा करके अपने कंधों में लेकर के घूमते हैं, मन्नतें मांगते हैं, न्याज फातिहा करते हैं, उससे बरकत हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें रखते हैं। ये रखना हमारे लिए दुरुस्त है या नहीं? तो मेरे भाइयों, देखिए, ये सब गलत अकीदा है, ये सब शिर्क है, इसका शरीयत से कोई वास्ता नहीं है। जो भाई ऐसा अकीदा रखते हैं, ऐसा ख्याल रखते हैं, उन्हें तौबा करना चाहिए, इससे इज्तनाब करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं अगर ये भी बढ़कर कह दूं तो गलत नहीं होगा कि ये गैर मुस्लिमों और काफिरों की एक तरह से मुशाबहत होती है। वो इस तरह से कि जिस तरह कुफार व मुशिकीन गैर मुस्लिम लोग अपने अपने त्यौहार में मूर्ति निकालते हैं, हाँ, देवी देवता की सूरत बना करके वो मूर्तियां लेकर के घूमते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, न्याज फातिहा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, बलिदान करते हैं, आज उसी की एक तरह से मुशाबहत है हमारी ताजिया। वो लोग जिस तरह दो चार दिन अपने घर में किसी चौराहे में बड़ी बेहतरीन इज्जत और एहतराम के साथ सजाए रखते हैं, ढांक के रखते हैं, उसका एहतराम करते हैं और जब उसका वक्त आ जाता है फिर उठा करके ढोल बाजे के साथ गलियों में नाचते गाते हुए जाकर किसी जगह उसको दफन कर देते हैं, किसी नदी नाला में उसको फेंक देते हैं, किसी तालाब में उसको डाल देते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को भी देखिए, इस ताजिया के साथ उसका क्या सलूक होता है, वो भी ऐसे ही करते हैं, एक दो मुहर्रम से शुरू करते हैं और दसवीं मुहर्रम को बिल्कुल उन्हीं की तरह ढोल बाजे के साथ लेके निकलते हैं और खेल कूद के बाद ढोल बाजे के साथ गश्त करने के बाद फिर जो है आखिर में उसको दफन कर देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। तो इस तरह से कुफार और मुशरिकीन की ये मुशाबहत भी होती है, उससे भी हमें बचने के लिए कहा गया है, मन तशब्बा बिकौमिन फवा मिनहुम।
जो किस जिस कौम के मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। लिहाजा इस शिर्क में कुफार और मुशरिकीन से मुशाबहत हो रही है, इससे भी हमें बचना चाहिए और शरीयत में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं मिल रही। जैसा कि आपको हमको मालूम हुआ कि ये ताज़ियादारी कब से शुरू हुई है और किस तरह कैसे कैसे लोग कर रहे हैं। अगर नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा होता तो ये कब शुरू हुई, क्या हुई, इसकी तारीख हैसियत लोगों को मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में इसका तसव्वुर भी नहीं था, लिहाजा आज भी हमारे ज़हन और दिमाग से ऐसा तसव्वुर बिल्कुल निकल जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला इस तरह की बदअमली और बदअकीदगी जैसे अमल से हम सब महफूज रह सके, बच सके, इसकी तौफीक अता फरमाए।